ठीक है, तो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एट एनी जनरल पोजीशन ऑफ डायपोल। ये हमने डायग्राम बना लिया, ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू, दिस द प्लस क्यू, दिस द मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट से आठ डिस्टेंस में हमारे पास एक पॉइंट पी है। डायपोल की लेंथ 2L, ये हाफ पॉइंट है तो हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगी L, L इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डायपोल, ये हमारा काम है। तो अब आप देखेंगे एज वी नो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला होता था भाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, होता था वी पी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दैट सो चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हुआ करता था या कुछ और होता था? अरे ये फॉर्मूला था ना। अच्छा, अब हमें हमारे हमारे पास क्या, हमारे पास दो चार्ज है और दोनों चार्जेस की वजह से हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी एक तो चार्ज की वैल्यू की और दूसरा चार्ज से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की। समझ गए हो गया डायग्राम में देख के कौन सी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको नाम ए देते हैं और इसको हम नाम बी देते हैं तो आप लिखेंगे पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो वो हो जाएगा वी ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जेड, चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू और डिस्टेंस हो जाएगी कितनी ए पी। सेम पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, यानी वी ऑफ प्लस क्यू जेड प्लस क्यू ओवर बी पी। क्या इसमें किसी को दिक्कत है कोई? नहीं सर। सारी लड़ाई यहाँ पर किस बात की है कि भैया ये एपी और बीपी कैसे निकलेंगे, क्योंकि आपको एपी बीपी नहीं पता, आपको ओपी पता है, आपको एओ पता है, आपको ओबी पता है, यानी कि एओ की वैल्यू है एल, ये पता है हमें, बीओ की वैल्यू है एल, हमें ये पता है, और हमें ओपी की वैल्यू पता है कितनी आर, हमें क्या नहीं पता एपी और बीपी। देखो एपी बीपी सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, देखिए जरा क्या काम करना पड़ेगा। ये मान लो आपका एपी है, ये मान लो आपका बीपी है, ठीक है, और ये आपका क्या था, एओ था, ठीक है, जरा समझो, मान लो ये हमारा एपी है, ठीक, और इस तरह से आपने जो एक ले लिया बीपी, ठीक है, और ये आपने ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मिड पॉइंट था इस तरह से, तो पहले तो ना इस मिड पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ आगे बढ़ा, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ए बी पी दिस एंगल, ठीक है, इसको मैंने लेंथ को आगे की तरह बढ़ा दिया। देखो मुझे ए पी नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूं, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए टू द लाइन दिस मीट एट दिस पॉइंट, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी टू दिस लाइन दिस मीट एट दिस पॉइंट, आप सोचेंगे कि परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? हमने कहा देखो इससे फायदा होगा, अगर मान लो इस परपेंडिकुलर नाम मैंने रखा एम और इसका नाम रखा मैंने एन, तो मैथमेटिक्स ये कहती है, मैथमेटिक्स क्या कहती है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो एपी है एपी वो नियरली इक्वल होगा एनपी के, क्योंकि जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो किसी दूर वाले पॉइंट से, डिस्टेंट पॉइंट से, यहां पर खड़े होके अगर आप ए को देखो और यहां पर खड़े होके आप एन पॉइंट को देखो तो आपको दोनों लगभग बराबर की डिस्टेंस पर दिखाई देंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर हुआ, ये मैथमेटिक्स कहती है सर। ऐसे ही अगर पी पॉइंट पर खड़े होके आप बी को देखें और पी पॉइंट पर खड़े होके आप एम को देखें तो ये दोनों आपको लगभग बराबर देंगे, एंड बीपी नियरली इक्वल्स टू एमपी। क्या इतनी बात आपको हजम होती है? Yes, तो हम आगे बात करें, ठीक है। Yes, अच्छा, अब इस एनपी को, एनपी को बात करें तो क्या एनपी को, दिस पॉइंट इज योर ओ, क्या मैं एनपी को एन ओ प्लस ओपी लिख सकता हूं? जल्दी बताओ भैया, है ना, या फिर ऐसे लिख लो ओपी प्लस एनओ, एक ही बात है, ओपी एनपी छोटा है भैया, प्लस
ओ एन एन पी छोटा है किससे? एम पी बीपी सिमिलर नहीं लगता एपी एपी और एनपी एनपी है यहां से लेके यहां तक और एनपी को लिख दिया ओपी प्लस ओ एन। अरे डायग्राम में देखते हैं कंफ्यूज कर रहा है। एनपी को लिख दिया है ओपी प्लस ओ एन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा और तुम्हें बता देता हूं। यहां देखो यहां से यहां तक ये है आपका एनपी और इस एनपी को मैंने क्या किया, मैंने कहा एनपी इज ओपी इतना प्लस ओ एन इतना, ये तो लिख दिया। चेक करो यस किया ना नीचे वाले के डीपी और एनपी डीपी और एनपी ये लगभग बराबर हो गए। ये एक्चुअली में तुम्हें कंस्ट्रक्शन में ऐसा लग रहा है, ये मैथमेटिकल टूल है कि जब आप एक परपेंडिकुलर इस तरह से गिराएंगे, ठीक है, ये बात तब की होती है व्हेन वेट पी पॉइंट इज फार अवे। ये तो तुम्हारे पास में है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, देखने में लग रहा होगा एमपी छोटा है पीपी बड़ा है, ये तो कहना चाह रहे हो ना। जब ये पी पॉइंट फार अवे होगा ना, दूर से कहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से देखेंगे तब वो दोनों बराबर लगेंगे, मैथमेटिकल टूल की बात होगी। अब ऐसे आप बीपी को क्या इसको एमपी को क्या लिख सकते हो, एमपी को लिख सकते हो ओपी माइनस ओएम। चेक करो जरा ओपी माइनस ओएम सारी कहानी इसमें देखो, सिर्फ इस पूरा डेरिवेशन बहुत ही लल्लू सा डेरिवेशन है, सिर्फ इसमें कहानी है एपी और बीपी की, हमें एपी बीपी नहीं पता। तो एपी बीपी को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको मिडिल लाइन जो है इसको एक्सटेंड कर लिया, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था जो कि हमारा थीटा एंगल बनाई हुई थी, तो मैंने इन दोनों लेंथ को इस वाली लेंथ पे लेके आ गया। क्यों लेके आ गया, क्योंकि मेरे को वैल्यू पता है आर, यानी मुझे ओपी पता है। ओपी क्या हमारे पास आर, द वैल्यू ऑफ ओपी इज आर, तो मैं आर के टर्म में एक आंसर निकाल पाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे चलिए आर तो आप ले लिया, ओपी की वैल्यू तो आप ले आए, अब ये ओ एम और ओ एन की वैल्यू कहां से लाएंगे? तो ओ एम और ओ एन की वैल्यू देखो कैसे लेके आएंगे, हमें पता है ए ओ कितना है एल, हमें पता है बी ओ कितना है एल, पता है ना ये एंगल कितना है थीटा, ये वैल्यू कितनी है एल, तो हम यहाँ से ओ एन ओ एम निकाल सकते हैं। ऐसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो हम यहाँ से ओ एम निकाल सकते हैं। तो ओ एम और ओ एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल ध्यान से देखते हैं ना, ओ एम बी, ओ एम बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ एम अपॉन ओ बी, then what is the value of OM? We can write simply OB sin theta, है ना? और OB की value कितनी है L, then what is the value of OM? That is the L sin theta. Similarly, right angle triangle AON, what is the value of sin theta? We can write it as ON upon में AO, है ना? तो यहां से हमने सॉल्व किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एन इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एओ वी कैन रिट इट एज सिंपली एल, एल साइन थीटा। तो हमें इससे क्या मिल गया, हमें यहां पर ओ एन और ओ एम की वैल्यू मिलते ही हमें एपी और बीपी मिल गई, एपी इज इक्वल टू एनपी, एनपी इज इक्वल टू ओपी प्लस ओ एन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी दैट इज आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एन दैट इज एल साइन थीटा। सेम हमें बीपी निकालना था, बीपी एमपी के बराबर था, एमपी ओपी माइनस ओएन था और ओपी कितना था आर और ओएन कितना है एल साइन थीटा। देखो जी बताओ जल्दी क्या समझ में, तो भाई कौन बताएगा अब क्या करना है, किरण बताना बेटा अगला क्या काम होगा इसमें हमारे पास। किरण आवाज मेरी, तेरा नाम किरण है? सर आवाज क्विक रिस्पॉन्स किया करो, इतना शांत मत बैठा करो, हाँ ना जो नहीं आए मना कर दो, आए तो बोलो। क्या करेंगे इसके बाद, हमने हमें ये वैल्यू पता चल गई, एपी और बीपी की वैल्यू पता चल गई, एक की वैल्यू आर प्लस एल साइन थीटा, एक की वैल्यू आर माइनस एल साइन थीटा। अरे पता है नहीं है ये बोलो, इतना टाइम खराब मत करो। सर नहीं पता। अब हिमांशु क्या करेंगे, वो V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ माइनस पोटेंशियल ऑफ माइनस Q में AP की वैल्यू AP में डालेंगे उस जगह, ठीक है, AP की वैल्यू
इक्वेशन नंबर वन में एपी की वैल्यू प्लेस करोगे, इक्वेशन नंबर टू में बी की बीपी की वैल्यू प्लेस करोगे और हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो जी टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वी नेट कितना हो जाएगा, सिंपली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस क्यू अपॉन में एपी, और एपी कितना हमारे पास, ये रहा आर प्लस एल साइन थीटा, आर प्लस एल साइन थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू में फॉर्मूला हो जाएगा जेड प्लस क्यू अपॉन में बीपी, और बीपी कितना है, आर माइनस एल साइन थीटा, क्यों जी आर माइनस एल साइन थीटा। अब इसके बाद भैया मैथमेटिक्स है, जल्दी मुझे क्विक सॉल्व करके आप लोग दिखा दो। फिजिक्स रेस्ट ऑफ द इसमें कैलकुलेशन थी तो मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, जिसको कैलकुलेशन नहीं आई है वो देख लो जरा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या था, हमें वी नेट निकालना था, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास था एक तो आर प्लस एल कॉस थीटा और एक था आर माइनस एल कॉस थीटा जेड और क्यू, ये तो हो गए बाहर। एक यहाँ पर माइनस क्यू था तो माइनस वन बचा होगा, माइनस वन में मल्टीप्लाई किया हमने आर माइनस एल कॉस थीटा का, इधर बचा होगा वन, और वन में मल्टीप्लाई किया हमने आर प्लस एल कॉस थीटा का। ठीक है भैया, कोई क्वेश्चन मत करना, तीसरे स्टैंडर्ड पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना सिखा देते, अगर आपको ये नहीं आता तो वापस तीसरी क्लास में जाओ वहां पढ़ो, या इलेवंथ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आदिल जो पता नहीं ये क्या कर दिया, यही समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन पूछे लगते हैं मेरे से, मुझे आते फिर इरिटेशन, क्या रहे सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आती तो फिर क्या कर देती है बड़ी क्लास में आके। ये हो जाएगा आपका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ माइनस आर से माइनस आर कट गया प्लस आर कट गया, बी नेट इक्वल्स टू जेड क्यू इंटू में टू एल कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो ये वैल्यू इतनी सही है, आपका आंसर निकल आया, बट कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि हम आंसर डाइपोल का निकाल लें, है ना। फिर आप देखेंगे फॉर डाइपोल टू एल इज मच मच लेस देन एज कम्पेयर टू आर, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एंड क्यू इंटू टू एल कैन बी रिटेन एज बी। तो जो क्यू इंटू टू एल आपने ऊपर लिख रखा है इसको तो हम बी लिख देंगे और एल स्क्वायर यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी जेड बी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड जो भी टर्म था पूरा नेग्लेक्ट हो गया, देन योर आंसर इज बी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप इस आंसर को ना चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे कि आपने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे वैल्यू क्या निकल के आई थी, जेड पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन पे आंसर क्या निकल के आया था, जीरो। ये दो आंसर आपने निकाले थे, जब आपने दो आंसर निकाले तो उस केस में आप यहाँ पर रख के देखो, अगर आप एक्सियल लाइन पे आओगे तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर अपने डायग्राम में आप एक्सियल लाइन पे आना चाहते हो, डायग्राम को चेक कर लो, डायग्राम में अगर आप एक्सियल लाइन पे आओगे तो आपका जो कॉस थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये फाइल यहाँ पर जाके इम्प्रूव हो गई है, इसको उठा कर बाद में पोटेंशियल वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर डॉट R वेक्टर और मैं R क्यू, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो आप ऐसे तो खोलते हो ना इसको, P इंटू में R, जब डॉट लगा होता है तो cos थीटा अपॉन में R क्यू, एक R से एक R कट जाएगा, देन योर फाइनल आंसर बिकम्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डॉट कर दिया, क्लियर। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और दूसरा इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं रिलेशन
बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई और बी में रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, एज वी नो, एज वी नो, यानी हमारे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज चार्ज है ये जो यहाँ रखा हुआ, ठीक है। अब इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब उसको हम ए टू बी स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते हैं, और ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाला प्लस चार्ज ने इसको धक्का दे रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से मूव करके कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज वी नो द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये बात याद है, भूल गए हैं। अरे याद है, भूल गए। तो मैं किसी को गले में आवाज क्यों नहीं रहती है मुझे बताओ, इतना क्या सोचते रहते हो, चार बार पूछा करूं तुमसे मैं तब जवाब दोगे। लेके माइक बंद करके बैठे रहते हैं घर में, हम पागल हैं यहां से बोल रहे, चार चार बार पूछ रहा हूं। ये आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी गलती है इसमें, नेट क्यों नहीं ठीक कराते हो, तुम्ही को आवाज नहीं आती है। फोर्स की वैल्यू में मिल गई F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। दूसरा हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा अभी, कि जो V होता है, जो पोटेंशियल होता है ना, V बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, हम पढ़ चुके हैं कि V की वैल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। कैसे पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में टेस्ट चार्ज। ये सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने इससे की थी, अगर आपको नहीं याद हो, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो ले चलते चैप्टर की शुरुआत में, वेरी फर्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस चैप्टर की शुरुआत हमने इसी से की थी कि डेल्टा वी की जो वैल्यू होती है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होती है, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को अगर कोई मॉडिफाइड वर्जन पूछना चाहे तो हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डी क्यू ना डालना चाहे आप क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल चार्ज हो पूरा चार्ज हो, अब क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल तो स्मॉल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल टोटल वर्क डन, तो डी वी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इस वाले टॉपिक में यूज करते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंटली मीनिंग है, तो डेल्टा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डब्ल्यू की जाएगी क्यू नॉट इनटू डी। अब हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है एक्चुअल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एक्स, याद करो, स्मॉल वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्यू नॉट इनटू में डी। फोर्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, क्यू नॉट इनटू में ई। अच्छा, इसको लिखने से पहले आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इनटू में डी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया जीरो, एफ डी एक्स कॉस जीरो हो जाएगा वन, क्यू नॉट इनटू में डी। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू नॉट इनटू में ई इनटू में डी, एक इसके बराबर आ गया क्यू नॉट इनटू में डी के बराबर, ठीक है। अब अगर ये चार्ज ए टू बी जा रहा था तो आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा था, ये खुद चलता चला जा रहा था, ठीक है। तो उस केस में आपका पोटेंशियल, कोई मेरे को बताएगा ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, चलो इतना ही बता दो पहले मेरे को, पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा, बी पे,
क्यों डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है कम होता है? कम होता है ना, तो जब जितना दूर जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाते जाते कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ये जो डीबी की वैल्यू है, ये जो डेल्टा वी है, ये माइनस में चलेगी, ये ध्यान रखना। ये किसमें चलेगी? माइनस में। डेल्टा भी क्या आएगा आपका? नेगेटिव है ना। ये जो डेल्टा भी है आपका, ये डेल्टा भी क्या चल रहा है आपका? माइनस में चल रहा है। माइनस 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 क्यों चल रहा है? तो डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल आपका कम होता चला जा रहा है। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया तो आपको जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला? वो आपकी स्क्रीन पर है सामने आंसर, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर। This is the relation between electric field and potential. Check कर लो बेटा जल्दी।